भाई अगर आपने स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करी है ना, तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप लोगों ने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया है। स्कूल के अंदर दो काम और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, वो है खुद आशिकी करना और टीचर्स की आशिक में बातें करना। क्योंकि भाई यही दो चीजें ऐसी रह जाती है जो लाइफ टाइम के लिए आप उनको याद करते हो और मेमोरीज बन जाती है, उन पर बातें करते हो अपने दोस्तों के साथ। भाई कौन याद कर रहा है परमोटेशन इंटीग्रेशन कॉम्बिनेशन को, कौन याद कर रहा है भाई? याद होता है तो भाई उसकी उससे राइटिंग दी है भाई, मैथ्स वाले टीचर तो भाई पूरे फिदाते हिंदी टीचर के ऊपर, तो भाई ये वाली बातें होती है। और कुछ इसी स्टोरी को पकड़कर भाई छलांग मूवी बनाई गई है। छलांग मूवी के अंदर हमको दिखाया गया भाई थोड़ी सी टीचर्स के बीच में आशिकी, और आशिकी के साथ ही कंपटीशन भी डाल दिया है। और सोचो भाई जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाए तो क्या होता है? इसने कभी आपको सरनी चांटा मारा है? पाट। उस चांटे को इश्क कहते हैं, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जब कोई तीसरा आ जाता है। तो भाई इस कहानी के जो हीरो है वो है पीटी टीचर मोंटू भाई, और मोंटू भाई की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि मोंटू भाई ने खुद जिंदगी के अंदर कुछ नहीं किया होता, मगर फिर भी सिफारिश से पीटी टीचर बन जाते हैं। अब भाई जो सिफारिश से बंदा बना है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, तो बंदा चिल मारता है, एकदम सैलरी उठाता है और चिल रहता है भाई। मैंने आज तेरे पीरियड चाहिए। अरे ले लो, जाओ जाओ, थैंक यू भाई, अरे मौज करो। और भाई फिर आता है कहानी के अंदर मोड़, और स्कूल वाले हायर करते हैं कंप्यूटर टीचर को। और भाई चांस की बात है भाई, कंप्यूटर टीचर आती है फीमेल टीचर, वाओ मैन। और भाई उस टीचर का नाम है कुमारी नीलिमा, और भाई बंदी के नाम क्या के कुमारी लगा हो तो भाई इसका मतलब समझ जाओ भाई, ग्रीन सिग्नल है, कभी भी जा सकते हो आप और अपना झंडा गाड़ के लाल बत्ती लगा सकते हो। तो भाई यहाँ पर पूरी गेम समझ में आ गई मोंटू भाई को, और मोंटू भाई ने परख लिया भाई कुमारी लगा मतलब कि अनमैरिड है और दरवाजे खुले हुए हैं, अब जाओ और करो कुछ ऐसा कि दरवाजा बंद कर दे बंदी दूसरे बंदों के लिए और तुमको अंदर एंट्री दे दे। मगर यहाँ पे एंट्री लेने से पहले ही भाई यहाँ पे कुमारी नीलिमा पहले से ही जानती होती है मोंटू को, क्योंकि हमारे मोंटू ठहरे भाई बजरंग दल के बंदे जो कभी किसी को आशिकी नहीं करने देते। और गलती से जब पार्क के अंदर बंदे ने रेड मारी आशिकों को पकड़ने के लिए, तो उसमें कुमारी नीलिमा के मम्मी और पापा भी थे। अब यहाँ पे मोंटू भाई को समझ में नहीं आया भाई इतना बुड्ढा बुड्ढी पार्क के अंदर क्या गुटरू कर रहे हैं, तो भाई ने पकड़ के गुद्दी फोटो खिंचवा डाली, अखबार में छुपवा डाली। अब कुमारी नीलिमा को पता चल जाता है भाई कि मेरी माँ बाप की बेइज्जती तो इस बंदे ने करी है। तो यहाँ पर कहानी में प्रेम आने से पहले ही तकरार आ जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। मगर अब क्योंकि मोंटू भाई हमारे फ्लैट हो चुके हैं कुमारी नीलिमा के ऊपर, तो मोंटू भाई किसी तरीके से माफी मूफी मांग के अपना हरियाणा एक्सेंट जो भाई ने पकड़ा है, बट कतई जहर पकड़ा भाई, कतई जहर, यहाँ पर राजकुमार की तारीफ करनी पड़ेगी, कतई जहर पकड़ा भाई जो एक्सेंट पकड़ा हरियाणा का, और भाई किसी तरीके से बंदी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं भाई। और उसके बाद बंदी से बोलती है कि चलो सॉरी बात खत्म करो, बंदी तो भाई डेढ़ जानी निकली, बंदी ने सीधा ही वो बात बोल डाली जो भाई मेरे को नहीं लगता रियल लाइफ में कोई बंदी बोल सकती, और वो भी टीचर। फ्रेंड बनना है, दारू पिलाओगे? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो भाई बंदी यहाँ पे निकली दारू की शौकीन, चलो कोई बात नहीं भाई। मगर यहाँ तक कहानी एकदम सही जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई मोंटू भाई पटाई लेंगे यहाँ पे कुमारी नीलिमा को। और भाई कुमारी नीलिमा अब हो चुकी है नीलू यहाँ पर, और बट नीलू होते ही भाई यहाँ पे आ गया तीसरा बंदा, और जब तीसरा बंदा आता तो क्या होता है? इसने कभी आपको सरनी चांटा मारा है? पाट। उस चांटे को इश्क कहते हैं, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जब कोई तीसरा आ जाता है। और भाई ये तीसरा बंदा जो आया, ये बंदा है क्वालिफाइड एकदम, बंदा मेहनत करके आया इस पोजीशन के ऊपर, और इस बंदे को जब हायर किया जाता है एज अ पीटी टीचर, और यहाँ पे मोंटू भाई को थोड़ा सा डिग्रेड करके असिस्टेंट बना दिया जाता है, जो बात मोंटू भाई को बिल्कुल कबूल नहीं है। और अब बात आ चुकी है मोंटू भाई की इज्जत के ऊपर, क्योंकि नीलू यहाँ पे इंप्रेस होती हुई दिख रही है हमारे सिंह सर से। सिंह सर कौन है? जो नए पीटी टीचर आए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला भाई, नीलू डेढ़ शाड़ी निकली, दारूबाज बंदी निकली, तो सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। नया हिंदुस्तान। तो भाई मोंटू भाई जहाँ पे चेतक स्कूटर के ऊपर नीलू कुमारी को बिठा के घुमाते थे, वो भी पीछे सीट नहीं होती थी, एक सोफे का कुशन लगा देते थे, वहीं पे हमारे सिंह सर के पास थी भाई बोल्ट। और भाई लड़कियों की दो कमजोरी तो मैं जानता ही हूँ, एक है भाई गिटार बजाता हुआ लड़का, और दूसरा भाई बुलेट चलाता हुआ लड़का। तो भाई यहाँ पे बुलेट चलाते हुए हमारे सिंह सर मिल रहे यहाँ पे भाई मूछों पे ताव देते हुए। तो भाई यहाँ पे बुलेट देखते ही कुमारी नीलिमा ने
सिंह सर को भी बोल दिया कि कुमारी हटाओ, नीलिमा हटाओ, मैं आज से आपके लिए नीलू हूँ। ये बात देखकर भाई मोंटू भाई की फट गई और मोंटू भाई चले गए, भाई मेरे को नहीं करनी ये नौकरी, मैं छोड़ रहा हूँ ये नौकरी, मेरे को इज्जत प्यारी है। मगर तो वहीं पे कंप्यूटर टीचर ये एहसास दिलाते तो जिंदगी के अंदर करता क्या रहा हुआ, तो आज तक गिवअप ही करता हुआ रहा, तूने आज भी गिवअप कर दिया। ये बात भाई लग जाती है उसके दिल में, और भाई जब बंदी की बात दिल में लग जाए ना तो बंदा भाई चांद तक भी चले जाता है। तो भाई बंदे ने यहाँ पर गया प्रिंसिपल के पास और बोला मैं चैलेंज देता हूँ, ये पीटी टीचर बेस्ट है, ये मैं पीटी टीचर बेस्ट हूं, उसका फैसला हो जाए, एक हफ्ते का टाइम दो, एक हफ्ते बाद कंपटीशन कराएंगे, इसको पहला चांस दो टीम बांटने का, दूसरा टीम मैं बांटूंगा और दोनों के बीच में तीन स्पोर्ट्स कोई भी चुन लो, कंपटीशन होएगा, जो जीत गया वो ले गया। अब भाई देखो इसके अंदर आपको पता ही है भाई हीरो ही जीतेगा, सिंह सर तो जीतने से ना रहे, तो इसमें तो एकदम क्लियर था कि भाई राजकुमार राव उर्फ मोंटू पीटी टीचर ही जीतने वाला है, नौकरी और छोकरी दोनों उसकी पक्की है, क्योंकि हारने वाले को नौकरी तो छोड़नी थी और छोकरी भी हाथ से जानी थी उसके। पर यहां पर जो ट्विस्ट था भाई कहानी के अंदर, जो मेरे को बहुत प्लस पॉइंट लगा, जो कहानी का मेन मैसेज था वो ये मैसेज था कि हमको इस स्पोर्ट्स के अंदर जब ये गेम एकदम से टर्न अराउंड होगी कॉम्पिटिशन के बीच में सिंह सर और मोंटू के बीच में, कि भाई अगर तीन कंपटीशन में से जो दो कंपटीशन जीत गया वो यहां पर रुकेगा, दूसरा घर जाएगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो भाई यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां पर हमारे सिंह सर भाई क्वालिफाइड पीटी टीचर थे, वो अपना बुकिश लैंग्वेज से बच्चों को सिखाते रहे और मोंटू भाई अपने देसी तरीके से बच्चों को सिखाते रहे, और भाई एंड में देसी बंदा ही तो जीतेगा ना भाई, शहरी बंदा कहां से जीत जाएगा। तो भाई यहाँ पे देसी बंदा हमारा मोंटू भाई ने सारे बच्चों को अपने जितवा दिया जो आज तक स्पोर्ट्स ही नहीं खेले हुए थे, भाई बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मैसेज ये भी दिया बच्चों के पेरेंट्स को, जो कि पेरेंट्स भाई अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं डालना चाहते, वो डालना चाहते कि इसमें पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो भाई हमारे यहाँ पे मोंटू भाई ने सबको ज्ञान बांटा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो, ये ज्ञान हमने वैसे बहुत मूवी के अंदर देखा हुआ, मगर इसमें प्लस पॉइंट जो मेरे को ये लगा भाई, ये लगा कि मोंटू भाई ने ये बोला कि भाई हर पेरेंट्स अपने लड़के को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता है, सायना नेहवाल बनाना चाहते हैं, मगर कोई भी सचिन तेंदुलकर और सायना नेहवाल के पेरेंट्स ने जो सेक्रीफाइसेस करे और जो उन्होंने एफर्ट डाले, वो एफर्ट और सेक्रीफाइसेस कोई भी पेरेंट्स नहीं करना चाहता। और भाई इस बात पे मेरे को बहुत ही ज्यादा दम लगा, और यहाँ पे हमारा मोंटू भाई ने सारे गांव वालों का, बंदी का, बच्चों का, बच्चों के माँ बाप का, प्रिंसिपल का, अपने सीनियर टीचर का, और भाई साथ में सिंह सर का भी दिल जीत के ले गए भाई यहाँ पे। और भाई इस मूवी के अंदर जो मेरे को बेस्ट डायलॉग लगा वो ये लगा कि सिंह सर यहाँ पे मोंटू को बोलते हैं अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और भाई इसका जो ये डायलॉग होते हैं ना भाई जो चलते हुए आ रहा है सदियों से, जब इसकी काट मिलती है ना भाई उसके अंदर मजा आता है। तो भाई यहाँ पर सिंह सर ने बोला कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वहीं पे मोंटू भाई का रिप्लाई क्या था, भाई जहाँ पर सिंह सर ने बोला कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वहां पर भाई मोंटू भाई का रिप्लाई था बिल्कुल सही का, और सोच हम तो है भी शेर और हमारी गली के अंदर शेर भी कुत्ता होता है, भाई क्या डायलॉग था, मजा आ गया था, ये बात में कोई शक नहीं। गाइस ये था मूवी का रिव्यू भाई, और भाई अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, ठीक है, अभी गया चलता हूँ, बाय।